दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी के 10 सबसे बड़ी गलतियां के बारे में। तो दोस्तों इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। नंबर 1, दोस्तों फिल्म के टीजर को देखकर लोग काफी निराश हैं। उनका कहना है कि फिल्म का VFX इतना खराब है कि देखी नहीं जा सकती है। लोग इसे VFX नहीं बल्कि धोखा मान रहे हैं। दोस्तों यूजर्स ने यह भी कहा है कि फिल्म किसी कार्टून या एनिमेशन से भी खराब है। नंबर 2, दोस्तों सैफ अली खान ने फिल्म में रावण का रोल प्ले किया है। दोस्तों सैफ का ये लुक भी लोगों को पसंद नहीं आया है, उन्होंने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। सैफ अली खान मॉडर्न स्टाइलिश और स्पाइक हेयर कट में नजर आ रहे हैं। दोस्तों लोगों ने सैफ को रावण ना बताकर खिलजी बताया है। नंबर 3, दोस्तों इस फिल्म में प्रभास के लुक पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। उनके लुक पर काफी विवाद हो रहा है। दोस्तों इस फिल्म में प्रभास भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उनके पैरों में खड़ाओं की बजाय कोई सैंडल नजर आ रहा है, जबकि पहले ऐसे कोई रामायण नहीं बने जिनमें श्री राम की वेशभूषा को इस तरह दिखाया गया हो। नंबर 4, दोस्तों फिल्म में माता सीता का किरदार कृति सेनन निभा रही है, लेकिन उनके लुक पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। टीजर में कृति सेनन जिस लुक में नजर आ रही है और जिस तरह का उन्होंने पहनाव किया है, लोग उनसे भड़क गए हैं। दोस्तों लोग इससे कह रहे हैं कि स्त्री और पवित्रता का धर्म पालन करने वाली माँ सीता का इस तरह का लुक कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर 5, दोस्तों पुष्पक विमान की जगह फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे सैफ अली खान को ड्रैगन की सवारी करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों रावण को लेकर लोगों का कहना है कि रावण की एक महान धार्मिक शख्सियत रही है, न कि राक्षस। नंबर 6, दोस्तों टीजर में भगवान हनुमान का लुक भी ऐसा रखा गया है जैसा कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। नंबर 7, दोस्तों टीजर में युद्ध स्थल के दृश्य को भी दिखाया गया है जिसमें राक्षस नजर आ रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद लोगों ने यह भी कहा है कि आदि पुरुष में प्रभु श्री राम राक्षसों की सेना से लड़ते नजर आ रहे हैं। नंबर 8, दोस्तों ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष का टीजर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों लोगों ने इस फिल्म के VFX की तुलना बच्चों के गेम से की है। नंबर 9, दोस्तों आदि पुरुष के मेकर्स को लोग ट्विटर पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं, साथ ही इससे जुड़े कई सारे मीम्स भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। नंबर 10, दोस्तों टीजर में दिखाए गए प्रभास के दृश्य क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म एक्सट्रैक्शन के सीन से कॉपी है। उस फिल्म में भी पानी के भीतर मेडिटेशन करने वाला हूबहू सीन है। तो दोस्तों ये था आदि पुरुष मूवी के 10 सबसे बड़ी गलतियाँ। दोस्तों और भी इसी तरह वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।